हाय दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले पंजीयन कार्ड के बारे में बात करेंगे, जिसे ग्रीन कार्ड, श्रमिक कार्ड एवं मजदूर कार्ड भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर देहाती मजदूर, प्रवासी मजदूर एवं जो फुटपाथ व्यापारी हैं उनके लिए सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएँ निकाली जाती है। जो मजदूर होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। उनके दो संगठन है, एक है भवन व सन निर्माण, एक असंगठित कर्मकार। दोस्तों, मैं मजदूर कार्ड पंजीयन का पूरा वीडियो अगर बनाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको मैं दो भागों में विभाजित करूंगा। दोस्तों, पार्ट वन में हम असंगठित कर्मकार मजदूर होते हैं जो, उनका पंजीयन करना सीखेंगे। सबसे पहले किसी ब्राउज़र पर चले जाइए, फिर यहाँ सर्च कीजिए सीजी लेबर। cglabor.nic.in जो फर्स्ट वेबसाइट शो हो रहा है उसे क्लिक कीजिए। यहाँ मैं आपको असंगठित कर्मकार के बारे में बताऊंगा, तो उसे क्लिक करना है। देखिए, जैसे क्लिक करते हैं उसको धीरे से कर्सर ले जाइए। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में असंगठित कर्मकार के लेफ्ट साइड में देखिए पेज खुल के आएगा, श्रमिक पंजीयन आवेदन, उसको क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं नया पेज ओपन हो जाता है। दोस्तों, जो असंगठित कर्मकार होते हैं उनका पंजीयन हेतु पात्रता में क्या क्या लगता है वो सब बता रहा हूँ आपको। आयु सीमा 14-60 की होनी चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए, 14 से 60 के अंदर। असंगठित कर्मकार अपना जो डालेंगे पंजीयन के लिए फॉर्म, तब उनको स्वघोषणा पत्र डालना अनिवार्य है। अगर कृषि मजदूर के लिए वो डाल रहे हैं तो 2.5 एकड़ की भूमि या उससे कम होनी चाहिए, वार्षिक आय 66,000 के नीचे होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में मजदूर अपने पार्षद या जो सरपंच होते हैं उनसे अपना आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से बना लें। कुल मिला के स्वयं घोषणा पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, आयुष्मान कार्ड, ये सब जरूरी है। जो असंगठित कर्मकार होते हैं उनकी कार्य की प्रकृति क्या होती है वो देख लेंगे। ये जो कार्य की प्रकृति है उसके अंतर्गत ही जो आएंगे तो वो असंगठित ही कहलाएंगे। जैसे धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, फुटपाथ व्यापारी, हमाल, कोली, रेजा, गैरेज मजदूर, रसोइया, शिकारी, जो भी हैं, ये लिस्ट है, आप देख लेना। ऊपर देखिए आगे जाएं लिखा हुआ है उसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा, इसमें अपना डिटेल भरना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या श्रमिक द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर सुरक्षा योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर हुआ है तो हाँ कीजिए, अगर नहीं हुआ है तो नहीं कीजिए। सेकंड ऑप्शन में लिखा है क्या श्रमिक COVID-19 के द्वारा किसी अन्य राज्य पर काम में गया था या छत्तीसगढ़ के बाहर में था, हाँ या नहीं, वो उसका आंसर दीजिए। अगर मान लीजिए अगर वो कहीं प्रवासी रहता है मजदूर तो उसे हाँ करना है तो ऑप्शन हाँ दबाइए, तो नया पेज खुलेगा। उसमें देखिए प्रवासी मजदूर का कुछ डिटेल भरना पड़ेगा, जैसे किस राज्य से आया है, किस जिले से आया है, उसका काम क्या था, उस कितने वर्ष का उसको अनुभव है और किस विषय में ट्रेनिंग ली है। हमारे केस में कोई भी COVID-19 के दौरान छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं गए थे, इसलिए हम नहीं बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सामान्य विवरण आता है, उसमें देखिए कार्य का स्वरूप असंगठित ही रहेगा, कार्य की प्रकृति हमको चुनना है। देखिए बहुत सारा लिस्ट खुल जाएगा आपका। असंगठित कर्मकार में बहुत लोग आते हैं, जैसे मछुआरा है, रसोइया है, शिकारी है, कोटवार है, हड्डी बिनने वाला, मितानीन, नाव चलाने वाला, राव चरवाहा, दूध धोने वाला। आप किसी एक कार्य का चयन कर लीजिए, उसके बाद कार्य की प्रकृति में तीन ऑप्शन दिया हुआ, किसी फर्स्ट जो कार्य की प्रकृति है ना उसको फर्स्ट वाला ये ऑप्शन को करना, बाकी दोनों को छोड़ देना। अगर उसके सिवा कोई दूसरा काम भी करते हैं तो उसमें डाल सकते हैं। तीसरा है नाम डालिए, आपका जो भी नाम है अपना नाम हिंदी में डालना पड़ेगा आपको। ये ध्यान दीजिए कि हिंदी में ही भरे, नहीं तो पंजीयन रद्द किया जाएगा। अपना नाम भरने के बाद पिता या पति का नाम आपके आधार कार्ड के अनुसार डाल दीजिए, फिर माता का नाम, लिंग में पुरुष है कि महिला है, विवाह की स्थिति कैसी है, अविवाहित है, विवाहित है, तलाकशुदा है, विधवा है, जैसी भी है आप डाल लीजिए। जो नाम रहेगा ना उसको इंग्लिश में भी भरना है। अपना नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखने के बाद मुखिया का नाम लिखिए, जैसे घर में कोई बड़े हैं जो मुखिया सदस्य हैं जिनके नाम से राशन कार्ड है उनका नाम डाल दीजिए, मुखिया कौन है उसको डाल दीजिए।
फिर जन्म तिथि डालिए, आपका डेट ऑफ बर्थ कब है, कब पैदा हुए थे, वो आप अपने आधार कार्ड को देख कर डाल दीजिए। कौन सी जाति के हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, जिस श्रेणी में आते हैं आप उसको डाल दीजिए। उसके बाद ऑप्शन आता है निःशक्त जन, जो भी है अपना श्रमिक, वो अगर विकलांग है हाँ या नहीं में आंसर दीजिए। फिर श्रेणी देखिए, अगर वो गरीब है कि गैर बीपीएल में आते हैं उसको भर लीजिए। ऊपर प्रवासी मजदूर हैं या नहीं, उसका आंसर हमने ऊपर दे दिया था। मासिक आय को भरिए, उनकी मासिक आय कितनी है, 1000 है, 2000 है, 3000, 5000, जो भी है उनके आय प्रमाण पत्र देख के अपना वहाँ पर सेम टू सेम डालिए, अलग नहीं डालना है। उसके बाद नीचे देखिए वोटर आईडी का ऑप्शन दिया हो, इसे वोटर आईडी डाल दीजिए। राशन कार्ड है तो राशन कार्ड नंबर डाल दीजिए। RSBY स्मार्ट कार्ड यानी कि आयुष्मान कार्ड नंबर डाल दीजिए। फिर उसके बाद लास्ट बच रहा आधार कार्ड, ये तो अनिवार्य है, इसको डालना ही है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद ये देखिए कि वो किस राज्य से इशू हुआ है, वो राज्य का नाम और उस जिले का नाम अनिवार्य रूप से डाल दीजिए। इसके बाद नीचे देखिए बैंक की जानकारी, इसमें आप आपका जिस भी बैंक में खाता है वो बैंक का खाता का नाम और वो किस खाता में है, किसका एड्रेस है, उसका खाता नंबर, RFC कोड, ये सब को फिलअप कर लीजिए। पर ध्यान ये देना, जिसका भी बन रहा है पंजीयन कार्ड, जिस भी संजीयन बन रहा है उसी के नाम से बैंक का खाता होना है, नहीं तो फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नीचे वर्तमान पता भरने का ऑप्शन दिया हुआ है आपके आधार कार्ड का, इस पर आधार कार्ड जो भी एड्रेस है उसको ही फिलअप कीजिएगा, दूसरा नहीं। पता में जिला, शहरी है कि ग्रामीण है, कौन से विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनके निकाय क्या है, उनके ग्राम वार्ड का नाम, वर्तमान पता, मकान नंबर, मोबाइल नंबर, और हाँ जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालोगे वो मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर वर्तमान पता ही स्थायी पता है तो वहाँ पर टिक दिया हुआ है उसको क्लिक कीजिए। वर्तमान पता भरने के बाद नीचे सुरक्षित करे दिया हुआ है उसे क्लिक कीजिए और आगे बढ़े। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके पार्ट 2 में आगे का जानकारी मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।